गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक शिकारपुर में स्थित जखेता गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान मुन्नी देवी हैं। लगभग 5000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। लगभग 2300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 600 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 92 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 20 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 10 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 विद्युत पोल, 19 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी गाँव में लगवाई गई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 11 सीसीटाइज रोड, खडंजे, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसीटाइज रोड, शमशान घाट की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम जखेता तहसील शिकारपुर ब्लॉक शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। हमारे यहाँ पहली फर्स्ट मांग ये है हमारी शमशान घाट की चार दीवारी होनी चाहिए और उसका नवीनीकरण होना चाहिए रास्ते के साथ। उसके बाद ये जो आपके पोखर हमारी दो पोखर हैं जो दो नंबर हैं, दोनों साथ साथ हैं और उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है लगभग दो साइड से। एक खेती होती है एक साइड में, वो खेती वाले उसका इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और एक दो साइड में उसकी जो गांव के लोग हैं वो उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं और एक साइड में रास्ता है जो मेन रास्ता गांव जाता है वो रास्ता उसका कटता है, पानी के बहाव से रास्ता कटता है जिसके लिए हमें उसमें बाउंड्री वाल की ज़रूरत है। ठीक, हमारे पास एक प्राइमरी स्कूल है जिसकी वो नहीं है, चार दीवारी नहीं है। ठीक है, ना गेट है ना उसमें शौचालय की व्यवस्था बढ़िया है। ये सब ज़रूरतें हैं जो बेसिक ज़रूरत है उसकी, बहुत ज़रूरी है। उसकी चार दीवारी होनी चाहिए, बाउंड्री वॉल होना चाहिए, गेट होना चाहिए, शौचालय सब सही होने चाहिए और उसकी टूट फूट सभी है। जूनियर हाई स्कूल है हमारे पास, एक प्राइमरी स्कूल पहले था जिसकी बिल्डिंग टूटी हुई पड़ी है। जूनियर हाई स्कूल में कुछ नई बिल्डिंग है, कुछ पुरानी, वो भी जो नई बिल्डिंग है वो भी बहुत पुरानी हो चुकी है। हम ये चाहते हैं हमारा जूनियर हाई स्कूल, हमारे पास जगह बहुत है, और प्राइमरी स्कूल दोनों इकट्ठे हो जाएँ। जितना भी हमारे पास मलवा है जूनियर हाई स्कूल का और पुराने प्राइमरी स्कूल का, वो सब मलवा इकट्ठा कराया जाए, पूरी ईंट निकलवाई जाए उसमें से और इधर ही एक जगह इकट्ठे बना दिया जाए। इससे सुविधा इसकी भी अच्छी हो जाएगी, किसकी, पढ़ाई की। अगर जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल दोनों इकट्ठे हो जाएं तो सुविधा अच्छी हो जाएगी, बच्चे ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे।